हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप अच्छे ही होंगे, और अगर अच्छे नहीं हैं तो मैं प्रे करती हूँ जल्दी से जल्दी आप अच्छे हो जाएं। यहाँ पीकू स्कूल से आ गया है और दोपहर का टाइम है। मैं, मम्मी, हम लोग देख रहे थे मूवी। मूवी देखते देखते इन दोनों का ना ये वाला गेम बड़ा अजीब सा गेम है। पता नहीं स्क्वाड गेम इन्होंने क्या देखा है, क्या भूत सवार हुआ है, अजीब सा ही कुछ गेम खेलते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ इनका गेम, तो आप लोग भी देखिए और इंजॉय कीजिए कि ये खेल क्या रहे हैं। बहुत हंसी आएगी। चलो चलो बस करो, बहुत मस्ती हो गई। तो आज फ्राइडे है, मम्मी आ रही हैं, क्योंकि मम्मी मोस्टली फ्राइडे नाइट तक आती हैं। तो मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ, इधर पानी में डिप किया हुआ था मैंने। और इतने दिनों से मैं क्या व्लॉग इसलिए नहीं डाल रही, सॉरी डाल तो मैं रोज़ रही हूँ बट पुराने डाल रही हूँ। परीक्षित के एग्ज़ाम चल रहे थे 9th of April से, तो मैं थोड़ा बिजी हूँ उसी में। उसका एग्ज़ाम वगैरह है, सारी चीज़ें मैनेज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, तो मैं इसलिए मेरे व्लॉग थोड़े लेट चल रहे हैं। मैं पहले के व्लॉग्स को ही एडिट करके अभी डाल रही हूँ। तो आज क्या है, अभी 2 दिन की परीक्षित की छुट्टी है, पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। परीक्षित स्कूल जाता है उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है 1-2 घंटे का, तो मैं उस टाइम पे एडिट करती हूँ। बाकी पहले क्या था, थोड़ा रात में कर लेती थी मैं, अब परीक्षित के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो रात में नहीं हो पाता है। रात में थोड़ा 1-2 घंटे इसको पढ़ाती हूँ। तो एक्चुअली क्या है, इतने दिनों से तो ये लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे थे तो इतना बर्डन नहीं था, लेकिन अब स्कूल जाकर रिटर्न भी है इनका, और स्कूल में पता नहीं होपलेस ना हो जाए, क्योंकि अभी तक तो 2 साल से मेरे साथ ही दे रहा था एग्ज़ाम वगैरह, तो वो देना ना देना एक बराबर ही है। अभी स्कूल जाकर ये दे रहा है तो कभी थोड़ा होपलेस ना हो, डर ना जाए, तो मैं इसको थोड़ा प्रिपेयर अच्छे से करवाती हूँ। पहले तो इनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहते थे इंग्लिश, ईवीएथ, मैथ और हिंदी। इसका एग्ज़ाम रिटर्न भी होगा, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा एडिटिंग थोड़ा डिले करते हैं बट थोड़ा इसको प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अब सीरियस वाला एग्ज़ाम है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, एक दिन छोड़कर एडिटिंग करती हूँ, तो इसलिए मेरे व्लॉग थोड़े लेट हो रहे हैं। क्या करते हैं, क्योंकि मम्मी स्पेशली, मम्मी यानी नानी स्पेशली, पीकू की दादी से भी मिलने आ रही है। शांति से मैं इसलिए आपसे बात कर पा रही हूँ क्योंकि पीकू, रन्नू, दादी और पीकू के पापा ये सब गए वॉक करने बाहर, और 8 बजने वाले हैं, तो मम्मी 8:30 बजे तक आएंगी। तो मैं आराम से यहाँ खाना बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये लोग होते हैं ना घर में इतना शोर मचाते हैं, तो मुझे वॉइस ओवर ही डालना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं वॉइस ओवर नहीं डालूंगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, कि पीछे से शोर मचाते रहते हैं लोग। तो अभी ये है नहीं, घर में शांति है। रात में बनाई थी कल रात में दूध की सेवई, तो अभी क्या है, ये मैंने फ्रिज से निकाल के रख दी है। घर में सुरेन जी और मम्मी, ये 2 लोग हैं जिनको एकदम गर्म गर्म चीज़ें चाहिए, गर्म दूध खोलता हुआ, खोलती हुई चाय, ये खोलते हुए दूध की सेवैयाँ। पर मुझे पीकू, रनू, हम लोग ठंडी ठंडी खाते हैं, जो एकदम से फ्रिज से निकली हुई होती है ना, तो वो अच्छी लगती है। तो मैंने अभी फ्रिज से निकाल दी ताकि थोड़ी देर ही रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तभी गए, क्योंकि यार मौसम ख़राब है, मेरा भी गला ऐसी हो रहा है, और अभी थोड़े दिनों पहले पीकू, रनू को भी जुकाम हो गए थे। अब पता नहीं स्कूल का इफेक्ट है, पता नहीं कैसे हुए, पर वो तो है ही, बच्चे बाहर निकलेंगे, गर्मी गर्मी होती है, सर्दी होती है, एकदम से गर्मी से आते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ तो इफेक्ट आता ही है। देखा, आ गए आ गए आ गए शोर मचाते हुए। ये कौन सा डांस है, किस खुशी में हो रहा है? पांडव इतना मुझे छोड़ने आए हो। चल बहुत बढ़िया, हो गया आपका गेम वगैरह। आज पता है नानी भी आ रही है, आज परीक्षित की नानी आएगी, और आज मेरा फ्रेंड आएगा, आज कल आएगा। अच्छा,
मम्मी के लिए वो चटाई लेंगे? मम्मी नहीं आई। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखा मैं बोल रही थी ना, ये लोग आते हैं तो कितना शोर हो जाता है घर में, इसीलिए वॉइस ओवर डालती हूँ। टाइम हो रहा है इतना। सब्जी मेरी रेडी हो गई है, आटा भी गूंद दिया मैंने, अब बस मम्मी का वेट है। मम्मी आएंगी तब खाना खाएंगे, जब तक मैं भी पार्क चली जाती हूँ बच्चों के साथ। गोल मारा है क्या? एक नानी आ गई, नानी का ऑटो आ गया। चलो चलो चलो, नानी आ गई। हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं। ये मम्मी लाई है किट वुमेन्स डे पे, मम्मी ने अपने किसको ऑफिस में, ऑफिस के जितने कलीग्स थे ना सबको वुमेन्स को बांटी थी, तो मैंने नेल पेंट भी लगा लिया है। देखो मस्त लग रही है मम्मी। इन दोनों को चॉकलेट मिल गई, इसी किट में आई है, तो एक मम्मी की किट से निकाली है, एक मेरे किट से निकाली है इन्होंने चॉकलेट। एक दूसरी वाली है, ये सिल्वर है, सिल्वर है गोल्डन है, ये बाद में लगाऊंगी, पहले ये वाली लगाई मैंने, पीच कलर है शायद। थैंक यू मम्मी। मम्मी अब रोटी कैसे बनेगी? रोटी तो नहीं बन पाएंगे, सब बन जाएगी। तो ये मटरी, ये मम्मी होममेड मुखवास बनाया मम्मी ने, माउथ फ्रेशनर, और ये नानी का बनाया हुआ आम नींबू का अचार आ गया है। दोनों मम्मियों को तो हमने पनीर रोटी खिला के फ्री कर दिया, और हम लोगों ने मंगाया है बारबेक्यू नेशन से पूरा एक मील, जिसमें पेप्सी आई है, और बहुत दिनों बाद मुझे पेप्सी पीने को मिलेगी, वरना हमेशा बच्चों के चक्कर में फैंटा या कोक मंगानी पड़ती है हमें। पीकू तेरे लिए तो रसगुल्ले आ गए बेटा, एक आधा पैकेट ही दो लोगों को। दो पैकेट आए। हैप्पी वुमेन्स डे, आपके लिए आए रसगुल्ले। इसमें आए हैं बटर नान और रोटी, दो चिकन की सब्जी आई है, एक मटन, ये चिकन है ग्रेवी वाला, सारी चीजें ग्रेवी फॉर्म में ही आई हैं, और दो स्टार्टर भी आए हैं, अभी दिखाती हूँ वो भी आपको। ये बिरयानी आई है, दो बिरयानी आई है, एक मील में सारी चीज़ें दो दो आई हैं, बस मटन की एक ही सब्जी आई है, और दो स्टार्टर आए हैं। स्टार्टर में ये चिकन नगेट्स हैं फ्राइड करे हुए स्पाइसी वाले, और पीकू रन्नू के तो फेवरेट हैं ये। ये दोनों मम्मियों की शक्ल देखो। इन लोगों को बिल्कुल नहीं खाना, ये नॉन वेजिटेरियन लोगों के साथ ऐसे ही होता है, यही रिएक्शन होता है। लेकिन बच्चों की खुशी के लिए दोनों नानी दादी खुश हो जाती हैं कि चलो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, तो बच्चों को देखकर ही ये दोनों खुश हो जाती हैं। देखो परीक्षित की खुशी देखो। आई मस्ट से ये मील 4-5 लोगों के लिए इनफ है। सेकेंड स्टार्टर है प्रॉन्स, तो प्रॉन्स तो बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे और सुरेंद्र जी को ही पसंद है, साथ में ग्रीन चटनी, सोया सॉस, ये तो काम नहीं आई हमारे, और मियोनीज भी काम नहीं आई, ग्रीन चटनी फिर भी हम लोगों ने यूज़ करी। चलो जी हम तो अपना मील इंजॉय कर रहे हैं, होप आपको वीडियो अच्छा लगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ रनू पीकू एंड मॉम व्लॉग्स। बाय।